आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव न्यूज, खबरों की सच्चाई तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल उत्तराखंड लाइव न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंजलि। आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर आरती रुद्रा, जो कि उत्तराखंड की जानी मानी हस्ती हैं। नमस्कार मैम, स्वागत है आपका उत्तराखंड लाइव न्यूज पर। थैंक यू, गुड मॉर्निंग। मैम, मैं चाहूँगी कि जिस तरीके से आपने डॉक्टर की शुरुआत करी, तो सभी दर्शकों को आप थोड़ा सा उस हल्की सी झलकी डालें वहाँ पर कि आपने शुरुआती तौर पे आपके माइंड में ये कैसे आया कि आप एज अ डॉक्टर के लिए आपने सोचा। नमस्कार दर्शकों, चाहे वो डॉक्टर हो या कोई भी प्रोफेशन, मेरा मानना है कि आपके पेरेंट्स या आपका कोई और फेवरेट रोल मॉडल होता है जो आपके मन में ये सपना जगाता है। सो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट टू हैव अ रोल मॉडल इन योर लाइफ, जिसको देखकर आपको लगता है कि हाँ, मुझे इसके जैसा बनना है। मेरे मन में डॉक्टर बनने का सपना मेरी प्यारी मदर ने जगाया, बिकॉज व्हेन आई वाज अ चाइल्ड वी वेंट टू अ हॉस्पिटल एंड वहाँ पर देयर वाज अ गुड लुकिंग डॉक्टर एंड माय मदर सेड, मैं चाहती हूँ कि बड़े होकर तुम भी इतनी ही अच्छी डॉक्टर बनो और ऐसी ही दिखो वाइट लैब कोट में, क्योंकि तुम डॉक्टर बन के बहुत अच्छा काम करोगी। इसलिए मेरा सारे पेरेंट्स को, स्पेशली मेरा मैसेज टू ऑल वेमेन इज़ कि अपने फ्रेंड्स में, अपने बच्चों में यू इग्नाइट अ गुड ड्रीम, और अगर उनके मन में हम एक अच्छा सपना जगाएंगे तो ज़रूरी हमारे फ्रेंड्स, हमारे बच्चे, हमारे और आसपास के जो लोग हैं वो उस सपने को पूर्ण करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। बिल्कुल मैम, जिस तरीके से आप गायना हैं और आजकल का जो माहौल है, क्योंकि लोग कहीं ना कहीं उम्मीद करते हैं कि बेटा हो, तो वहीं जब उनको एक अल्ट्रासाउंड करा लिया जाता है तो वहीं उनको कहीं लक्षण ऐसा लगता है कि कहीं बेटी है, तो वो इस तरीके से गलत कदम उठा लेते हैं। तो इस विषय में आप क्या कहेंगे, क्या कहेंगे उन दर्शकों को आप? पहली चीज़ तो मैं ये बताना चाहूँगी कि अभी अल्ट्रासाउंड पर कोई भी यह नहीं बता सकता है हमारे कंट्री में कि बेटा है कि बेटी, क्योंकि हमारा PCPNDT लॉ है जो बहुत स्ट्रिक्ट है और जो बिल्कुल अलाउ नहीं करता। लेकिन अभी जैसे किसी के पास सेकंड डॉटर होती है या थर्ड डॉटर होती है, तो मेरे पास सबसे अच्छी बात जो शेयर करने की है वो ये है कि द आउटलुक हैज़ टोटली चेंज्ड। अभी लास्ट 10-12 ईयर्स में मैंने ऐसा नहीं देखा कि किसी के पास दूसरी बेटी आए या तीसरी बेटी आए और वो उदास हो जाए। वो ज़्यादा खुशी से सबको मिठाई बांटते हैं, क्योंकि अब लोगों को विश्वास हो गया है कि बेटियां भी उतनी ही अच्छी हैं अपने परिवार का नाम रोशन करने में जितने बेटे हैं। और अब एडवांस्ड स्टडीज़ के साथ पेरेंट्स का भी ये मानना हो गया है कि अगर बच्चे पढ़ लिख कर कहीं बाहर जाते हैं, चाहे वो बेटी हो या बेटा हो, वो अपने पेरेंट्स को उतना ही सपोर्ट करेंगे। सो आई एम वेरी हैप्पी टू सी दिस चेंज इन द सोसाइटी इन ऑल क्लासेस, कि सारे लोग ऐसा नहीं कहते कि अगर बेटा होगा तभी मिठाई बांटेंगे, बेटी होने पर परिवार ज़्यादा खुशियां मनाता है। बिल्कुल मैम, वही जो डीमोटिवेट लेडीज़ होती हैं, जो घरों में होती हैं, लाइफ में बहुत कुछ करना चाहती हैं पर कहीं कारणवश वो अपने सपनों को दबा देती हैं, तो उन लोगों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये बहुत ज़रूरी है कि महिलाएं भी सपने देखें और उनके सपनों को भी पंख लगे और वो भी अपनी एक अलग पहचान बनाएं। पर ऐसा भी देखा गया है कई बार जिन लोगों की बहुत यंग एज में शादी हो जाती है, फिर बेबीज़ हो गए और उनके पास फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो जाती हैं, लेकिन वो इन रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाद भी अपना कुछ पैशन परस्यू कर सकती हैं। और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर क्या, आप अपने बच्चों में अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। अगर जैसे आपका सपना था कि मैं कुछ बहुत अच्छा स्टार्ट करूं और अपने टाइम या फाइनेंशियल लिमिटेशंस की वजह से नहीं कर सकते, तो हमें अपने बच्चों को पढ़ाकर उनके थ्रू अपने सपनों को पूरा करना चाहिए, जिससे कि फ्रस्ट्रेशन या डिप्रेशन की जगह हमें और खुशियाँ मिलें कि हमारी नेक्स्ट जनरेशन हमारे सपनों को पूरा कर रही है। चलिए, थैंक यू सो मच मैम आज उत्तराखंड लाइव न्यूज़ पर जुड़ने के लिए। थैंक यू। आपने देखा, आज हमने आपकी सीधा मुलाकात कराई है डॉक्टर आरती लुथरा जी से, और उन्होंने कितना पॉजिटिव हम सभी दर्शकों के लिए एक मैसेज दिया है। बहरहाल अभी के लिए इतना ही काफ़ी। अपने सहयोगी के साथ अंजलि पासवान की एक खास रिपोर्ट।